सभी किसान भाइयों नमस्कार, राम राम। मैं आपका दोस्त पुष्पेंद्र सिंह जाट और आप देख रहे हैं इंडियन एग्रीटेक गुरु चैनल पर खेती बाड़ी के नेट हाट। किसान भाइयों, हमने बहुत सारे जो है आपको वीडियो जो एक्सपेरिमेंट कंपनी के हमने कंपनी के अंदर दिखाए, लेकिन आज मैं आया हूँ स्पेशल लुधियाना एग्जीबिशन जो चल रहा है प्रोग्रेस करके है अभी, जो या किसान मेला कह सकते हो आप। तो किसान मेले में आया हुआ हूँ और यहाँ पर इन्होंने स्टॉल लगाई है, तो इनसे पूछ लेते हैं, थोड़ा सा इनसे जानकारी लेते हैं इन्होंने यहाँ स्टॉल क्यों लगाई है, इसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि इनकी सेल तो वैसे ही बहुत निकलती है, तो उसके पीछे क्या कारण है। तो हर्ष भाई, पहले तो आपका स्वागत है और एक छोटा सा परिचय हमारे किसान भाइयों को अपना दे दीजिए। जी सर, नमस्कार मेरे किसान भाइयों, मेरा नाम है हर्ष और हमारी कंपनी का नाम है राजसन एग्रो इंजीनियर्स। पंजाब में लुधियाना में स्थित हमारी कंपनी है। आज जो ये कृषि मेला लगा है 2023 में, इसको जो हमारा लगाने का उद्देश्य था वो ये था कि जो किसानों को शंका रहती है कि भैया ये कंपनी फ्रॉड तो नहीं है, कंपनी भाग तो नहीं रहेगी, या कंपनी है भी है कि नहीं है, तो उन लोगों को दिखाया कि भैया हम लाखों रुपए खर्च करके यहाँ पे दिखाने आए हैं प्रदर्शनी, ताकि जो किसानों को पता लग सके कि भैया ये कंपनी फ्रॉड नहीं है, यहाँ पे हम इतने बड़ी कंपनियों के साथ में बैठे हैं, तो हम एक असलियत कंपनी है और जो हमारी प्रोडक्ट है वो भी असलियत में है, ये कोई वो नहीं है कि खाली वीडियो में है, असली में मिलते नहीं है, तो उस टाइप के ये जो है प्रोडक्ट हमारे पास है असली में। तो मेरे किसान भाइयों, हमारे किसान भाइयों को बिलीव नहीं होता, हम वीडियो डालते रहते हैं, हम क्या है ये कई बार हमें हम कम इनकी कंपनी में चले जाते हैं या कहीं किसान के पास हमें भेज देते हैं, लेकिन हमारे किसान भाइयों को ट्रस्ट नहीं होता। तो यहाँ पर बहुत सारी कंपनी आई हुई है, ऐसा ही नहीं है कि इनकी एक कंपनी आई हुई है। थोड़ा सा कैमरामैन यहाँ पे थोड़ा दिखा दें बारी से कि कितनी सारी यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियां आई हुई हैं। तो ये भी एक स्प्रेमैन अपने आप में एक ब्रांड है मेरे किसान भाइयों। तो हम आज इनके कई सारे मॉडल यहाँ पे ये लेके आए, पावर टिलर, स्प्रे पंप, वाटर पंप, तो हम बारी बारी से फसल कटाई के लिए आपको रीपर और ब्रश कटर सब कुछ की जानकारी बारी बारी से देने वाले हैं। तो हर्ष भाई, कहाँ से स्टार्ट करने वाले हो सबसे पहले? सबसे पहले तो सर, जो हमारा 2023 का मॉडल है गन्ना जुताई के लिए, हल्दी जुताई के लिए, ये लेके आए हैं, जिसमें हमने होंडा का 12 एचपी का जो है वो पेट्रोल इंजन लगाया है। जी जी, होंडा का 12 एचपी का पेट्रोल इंजन सेल्फ स्टार्ट और 80 स्टार्ट दोनों ऑप्शन में उपलब्ध है। ये जो है अभी तक हमारे पास होंडा में 7 एचपी और 9 एचपी में था, उसके बाद डीजल इंजन में आते थे, पर किसानों की मांग रहती थी कि भैया हमें और ताकतवर चाहिए, या हमें जो है मिट्टी चुराने का ये डिचर अटैचमेंट लगानी है, जी जी, तो हैवी अटैचमेंट लगानी है, तो भैया हमें ताकतवर इंजन मिले। तो हमने होंडा के साथ मिलकर इस बार जो है 2023 में 12 एचपी के अंदर जो है होंडा GX390 इंजन लगाकर जो है वो पावर वीडर लॉन्च करा है, जिसमें 36 इंच का 3 फुट का रोटावेटर दिया है, जिसको कम करके आप 1.5 फुट तक लेके आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो खेती के कितने काम इससे कर सकते हैं हम? सर, इससे जो है हमारे पास इसमें 24 से 25 इम्प्लीमेंट है, तो मतलब 24 से 25 तरीके के जो काम है वो इसे लिए जा सकते हैं। जी जी जी, तो इसमें गियर्स वगैरह का प्रावधान क्या होता है, थोड़ा सा आप बताएं। सर, इसमें 5 गियर हैं, 3 आगे 2 पीछे, और इसमें एक डिफरेंशियल 4x4 भी है, लॉक रिसाव सिस्टम। इसको अगर आप कर खींच लोगे तो आपके दोनों चक्के आपस के अंदर लॉक हो जाते हैं। जी जी जी, इस वजह से जैसे कि अगर इस चक्के ने 2 चक्कर लिए तो ये भी 2 चक्कर साथ में ले गए, जिससे आपका ट्रैक्टर बिल्कुल सीधा चलता है, दाएं बाएं नहीं भागता है, वाइब्रेशन बिल्कुल खत्म है, जुताई बहुत ही गहरी है क्योंकि जोर बहुत लगाती है मशीन, और आपकी जो है खेती इतनी बढ़िया होती है कि जिसमें आप जो अपनी फसल बहुत अच्छे से पैदावार कर सकते हैं। तो सर, इसकी कीमत क्या रहने वाली है? सर ये जो है वैसे तो इसकी कीमत काफी ज्यादा पड़ रही थी, तकरीबन 2 लाख के आसपास, बट हमने इसके ऊपर जो है वो लॉन्चिंग ऑफर रखा है कि 2023 है, नया मॉडल है, नया लॉन्चिंग ऑफर रखे, तो डिस्काउंट करके ये किसान भाइयों को 1,60,000 की पड़ने वाली है, 12 एचपी में, 80 स्टार्ट, किक स्टार्ट, सेल्फ, और अगर कोई चाहिए कि सेल्फ स्टार्ट मॉडल में जाना चाहता है जी जी, उसको जो है वो मिल जाएगा ये 1,75,000 रुपए का। सर, अब आपका हम दूसरा मॉडल भी देख पा रहे हैं, ये सेम है दोनों या क्या अलग अलग है? सर ये अलग अलग है, वो 850 था, ये हमारा 870 HS मॉडल है। जी जी, मतलब हाइड्रो सेफ सीरीज इसके अंदर है। हाइड्रो सेफ सीरीज में क्या है कि इसके अंदर जो क्लच है वो ड्यूअल क्लच है, क्लच प्लेटें तेल के अंदर डूबी रहती है, और इसके अंदर जो है आपको जो ताकत बहुत ज्यादा मिलती है। ये ज्यादातर किस मिट्टी के लिए बनाया था हमने? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, वहाँ की मिट्टी काली मिट्टी हार्ड बहुत हार्ड होती है, तो उन जगहों पे डीजल इंजन की डिमांड भी रहती है और गियर बॉक्स बहुत हैवी चाहिए होता है। तो ये सेल्फ स्टार्ट है सर या कैसे है? सर ये सेल्फ स्टार्ट भी इसके अंदर हमने ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे, और अगर कभी रस्सी से स्टार्ट करना है तो रस्सी से भी। कौन सी कंपनी का इसमें इंजन दिया हुआ है और कितने एचपी का है? सर कोहलर लंबार्डी का इंजन है, 11 हॉर्स पावर का इसमें जो है वो इंजन इस्तेमाल किया गया है, 11 एचपी का इसके अंदर इंजन लगा हुआ है, बड़े टायर दे रखे हैं, आप देख सकते हैं कि 5-10 के बड़े ट्रैक्टर गुड्डी वाले टायर दे रखे हैं हमने। इसके अंदर आपने वेट टांगने का भी सिस्टम दे रखा है,
ताकि अगर कभी वजन ग्रिप बनानी हो तो अच्छी ग्रिप भी आप। तो ये मैं अभी देख पा रहा हूँ ये फंडर का पहले से आपने लुक भी चेंज कर दिया है, क्या ये मॉडल ही नया बनाया है, क्या बात है? सर ये हमारा डिचर 3 है जी। डिचर 3 मॉडल क्या किस काम आता है, इसके अंदर जो ये ब्लेड लगे हुए हैं आप देख सकते हैं कि 12 ब्लेड इसके अंदर लगे हुए हैं जी। जो मिट्टी चढ़ाने का काम करते हैं, घूल बनाने का, नाली बनाने का काम करते हैं। आपको मिट्टी हल्दी में, गन्ने पे चढ़ानी है, टमाटर पे मिट्टी चढ़ानी है, बेडों पे मिट्टी चढ़ानी है आपको, तो वो चढ़ाने का काम करेगा। इस डिचर की कैपेसिटी मैं बताना चाहूंगा, ये 5 फुट दूरी तक की मिट्टी चढ़ा सकता है, 1 फुट गहरी नाली बना सकता है और 1.5 फुट चौड़ी नाली जो है ये बनाने की क्षमता रखता है। जी जी जी। और इसमें हमने डिस्क ब्रेक भी दे रखे हैं दोनों। अच्छा, डिस्क ब्रेक भी हैं? जी जी, अगर आपको दाएं तरफ मुड़ना तो दाएं की ब्रेक दबाएं, दाएं तरफ घूम जाएगा। अगर बाएं की तरफ मुड़ना तो बाएं की ब्रेक दबाएं, बाएं तरफ घूम जाएगा। हर्ष भाई, ये तो आपने पूरा गाड़ी बना दिया है पूरा? जी, पूरा जी, जी, आपने जी, जो कंट्रोल है हाथ में ही दे दिए सारे जी, सारे जी, जी जी, काफी बढ़िया हमने करने की इसको कोशिश करी है ताकि किसान भाइयों को जो है वो काफी अच्छी चीज जो है वो मिले। तो क्या हैंडल को एडजस्ट कर सकते हैं, गियर वगैरह है कुछ? जी, इसके अंदर जो है यहाँ से आप हैंडल को ऊपर नीचे गियर से कर सकते हैं। जी जी, और ऐसे हैंडल को घुमा के आप उधर इंजन की तरफ भी लेके जा सकते हैं, 360 डिग्री पे घुमा सकते हैं। जी 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 जी। क्या प्राइस रहने वाली है इसकी सर? सर 870 HS जो हमारा पेट्रोल में है वो पड़ता है 1,90,000 का, और जो डीजल में है वो पड़ता है 2,25,000। जी जी। अब आपका हम देख पा रहे हैं फोर स्ट्रोक में है सर शायद ये मिनी टिलर, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। काफी शानदार लग रहा है, मैंने आज तक ऐसे जो मिनी टिलर देखे नहीं है, और देखे भी हैं तो मेरे ही चैनल पे देखे हैं। जी जी, ये जो है छोटू व्हीलर है। अभी तक आपने मार्केट में जितने भी सर आपने खुद गए, इतने आप जयपुर घूमे, आप महाराष्ट्र तक घूमे, हमने देखा छोटू व्हीलर जो भी आता है वो 2 स्ट्रोक मॉडल में आता था। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई इसको 52 CC, कोई 68 CC, कोई 82 CC भी बोलता रहता है, पर मतलब 2 स्ट्रोक में थे 3 HP के, जिसके अंदर दिक्कत होती थी कि 1 घंटे चलाने के बाद भैया वो तो आग निकालते हैं, बंद हो जाते हैं, सीज हो गए क्योंकि ट्यूटोरियल की मात्रा भी मिलानी पड़ती थी, कम ज्यादा डल गया, तो ये दिक्कतें आती थी। बट हमने इसके अंदर जो है 4 स्ट्रोक का 150 CC सुपर स्प्लेंडर का इंजन इसके अंदर लगाया है, 150 CC का, जो 5.5 HP की ताकत देता है। इसकी बात करते हैं रोटावेटर की चौड़ाई की, तो ये जो है सबसे खासियत है कि ये बात तो 13.5 इंच में चल जाता है। तो कौन कौन से इम्प्लीमेंट इसमें लग सकते हैं सर और काम कर सकते जी हैं? अभी इसके अंदर हमने जैसे कि आप देख सकते हैं कि 2 फुट का जो है वो रोटर वेटर इसके अंदर लगाया है जी। बाद में आप इसके अंदर वीडर भी लगा सकते हो वो जो आगे पड़ा है, और इसके पीछे जो है आप ये रीजर भी लगा सकते हो, और इसके पीछे ये लेवलर भी लगा सकते हो, और अभी हम इसके जो है लोहे के टायर भी बना रहे हैं, और इसके बाद इसके अंदर कल्टीवेटर भी आप लगा सकते हो। ये गियर में मॉडल है, 2 गियर है, दोनों फॉरवर्ड गियर है, और ये इसके अंदर क्लच सिस्टम है, मतलब आप क्लच दबाएंगे मशीन आपकी चलेगी, आप क्लच छोड़ दोगे तो मशीन आपकी रुक जाएगी। जी जी। क्या प्राइस इसकी रहने वाली है सर? सर ये पड़ता है बिना गियर के मॉडल में 30,000 का, और गियर वाला मॉडल ये 460 MT मॉडल हमारा है, 460 MT गियर वाला मॉडल पड़ेगा आपको 32,000 का। अच्छा, तो अभी ये गियर वाला तो आपने अभी लॉन्च किया है, यहाँ पे गियर दिया हुआ है इसका सर? जी जी, ये देख सकते हैं आप, 1, न्यूट्रल, 2। पहले इसमें गियर नहीं आते थे, तब वो पड़ता था 30,000 रुपए का, पर जैसे कि किसानों का काम है कि भैया और हैवी ड्यूटी काम करे, इंजन तो बहुत बड़ा लगा दीजिए, और जैसे ऊपर सूखा नीचे जाके तेल वाला, तो इसके अंदर गियर बॉक्स हमने और बड़ा चौड़ा कर दिया ताकि ताकत और ज्यादा मिले इसके अंदर। मेरे किसान भाइयों, एयर फिल्टर होता है, इंजन का दिल होता है, सांस लेता है, या कुछ भी कह सकते हैं हम, तो ये देख सकते हो इसमें एयर फिल्टर में डबल डबल एयर फिल्टर इन्होंने दिए हैं। यहाँ पे ऑयल डाला जाएगा सर? जी जी, यहाँ पे तेल वाला है, यहाँ पे जो है पेपर वाला फोम जी जी है। तो ये किसी भी मिनी टिलर में आपको देखने को नहीं मिलेगा, बहुत ही कमाल किया आपने सर। आप वास्तव में मैं मान गया, नए नए इनोवेशन करते जी रहते जी हैं आप जी जी। तो आप बात करते हैं ये मिनी टिलर के बारे में, थोड़ा सा इसके बारे में और बता दीजिए। 3 हॉर्स पावर का छोटू व्हीलर है, 2 स्ट्रोक वाला है, 1.5 फुट चौड़ाई में है, जिसका छोटा काम है 1 एकड़ 2 एकड़ का सब्जी सुब्जी का थोड़ा बहुत काम है, उनके लिए बहुत ही शानदार है जी। 1.5 फुट चौड़ाई, 4 इंची गहराई लेके चलता है, जुताई वगैरह करता जाता है, मिट्टी बारीक बनाता है, ये मात्र 21,500 रुपए का पड़ता जी जी। अभी मैं देख पा रहा हूँ आपका ये टूल जो कि शायद सब्जी वगैरह के लिए है, तो हम इससे कौन कौन से सीड वगैरह लगा सकते हैं? ये हमारा 14 दांतों वाला 14T मॉडल है, जिसमें आप खाद और बीज दोनों डाल सकते हो। इसके अंदर आप अपना मक्का, चना, राजमा, छोले, मटर वगैरह जो है वो बो सकते हो। चलाना बहुत सिंपल है, आप आगे दबाते जाओगे इसका नीचे जो है वो दांत खुलता जाएगा, दो एक एक बीज आपका जो है वो बोता जाएगा जी। और पीछे का जो ये रोलर लगा हुआ है, ये जो है आपके दाने के ऊपर मिट्टी लगा के जाता जाएगा, तो आप यहाँ से जो है अच्छा इस तरीके से आवाज भी करेगा, नेब खुलेंगी जब। जी जी जी, और ये यहाँ से आप इसको उठा के जहाँ अच्छा जहाँ मर्जी रख सकते हैं। तो मेरे किसान भाइयों, ये आप टेक्नोलॉजी देख सकते हो। हाँ, हमने टेक्नोलॉजी ये भी पहले वीडियो इसकी बनाई है,
लेकिन ये कुछ अलग है। पहले उसके अंदर ही बीज वगैरह सीड वगैरह डलता था, लेकिन इसमें ये अलग ही दिया हुआ है और आप उठा के एक जगह से दूसरे स्थान पर भी ले जा सकते हो। क्या प्राइस है हर्षवाई इसकी? सर ये जो है बीज और खाद वाला 8800 रुपए का जो है हम घर पे पहुंचा के देते हैं किसान। तो सीड में एक ही मॉडल है या और भी मॉडल है सर? एक ये भी मॉडल है हमारा जो 12 दांतों वाला है। ये पहले आता था? जी जी 12 दांतों वाला है, जिसमें जो है बीज वगैरह जो है अकेला डलता है। इसमें जो दूरी रहती है वो कम से कम 4.5 इंची और ज्यादा से ज्यादा हम इसको 1 फुट कर सकते हैं। जी बीज जो है इसके अंदर आप चाहे सरसों से लेके सरसों गेहूं अपना मटर गाजर मूली प्याज टमाटर या उसके बाद अपना लहसुन वगैरह तक जो है बो सकते हो। मोटे दाने लहसुन और बारीक दाना सरसों जितना भी आप इसके अंदर 14 गरारियों लगा के आप जो है बो सकते हो। इसके अंदर जो है काफी ज्यादा खूबी है, मतलब धक्का लगा के चलते ना काम जल्दी निपटता जाएगा। तो ये बंदूक से क्या है सर, ये क्या हो रहा है? ये बड़ी शानदार क्वालिटी की है ये तो। ये जी ये हमने पिस्टल मॉडल बनाया है। ये जो है एक्चुअली क्या है, ये सीडर बीज बोने की है, सब्जियों का बीज बोने के लिए है। इसके अंदर आपको क्या करना है कि यहाँ पे मिट्टी के अंदर आपको इसको जैसे रखेंगे तो ऐसे ऊपर से दबाना है तो ये नीचे से जो दांत है ऐसे खुल के जो है बीज बोता रहेगा। इसमें सरसों छोटे बीज सरसों गाजर मूली वगैरह के बीज बोने के लिए जो है या फूलों के बीज बोने के लिए जो है ये बनाया गया। तो इसकी क्या प्राइस रहने वाली है सर? सर ये 3000 रुपए का है मात्र, घर पे पहुंचा के जीएसटी के साथ डिलीवरी चार्ज। अच्छा घर तक पहुंचा के देंगे। और ये हैवी प्लास्टिक में, ऐसा नहीं है कि ये टूट जाएगी, बहुत ही हैवी प्लास्टिक है। देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे जहाँ पे मिट्टी में काम करना वहाँ स्टील की चद्दर लगाई है, दांत स्टील के लगाए हैं, जो चीजें काम करने वाली है वो लोहे और स्टील की लगाई हैं, बाकी बॉडी जहाँ पे खाली स्टोरेज है वो प्लास्टिक का लगाया है ताकि बीज का नुकसान ना हो, नहीं तो बीज टूट जाते हैं। तो हर्ष भाई ये तो आपने कर दिया, आप जैसे हमें कोई भी पौधी लगानी है डायरेक्ट तो हम कैसे लगा पाएंगे, उसके लिए कुछ है? पौध लगाने के लिए सर ये हमारे पास प्लांटर मशीन है। ये जो है यहाँ पे आपका जैसे मिर्च की गोभी की पनीरी लगानी है या किसी भी सब्जी की पनीरी लगानी है बहुत ही आसान है। इसके अंदर जैसे सीधा मिट्टी के अंदर खुबोएंगे, अगर गहराई करनी है तो पैर से भी दबा देंगे और यहाँ पे पौध डाल के इसको इस तरीके से किसान भाई खोल देंगे। अच्छा, तो ये जो पौध आपके बीच में गिर जाएगी और उसका जो मशीन बाहर निकल आएगी जी, वो जगह को चौड़ा देगा। जी, तो जी, क्या जी, प्राइस है इसकी? सर ये स्टील के अंदर बना हुआ है, इसकी जो कीमत रखी है वो 2000 रुपया है जीएसटी और ट्रांसपोर्ट के साथ। अच्छा अच्छा, और आपके ये सीडर पहले भी हमने ये बनाए हैं तो इनके बारे में थोड़ा बताएं। सर ये जो है मैनुअल सीडर है जिसमें आप जो है बीज वगैरह की बुआई वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे इसके अंदर ये भी बहुत सिंपल तरीका है, ऐसे मिट्टी में हम इसको रखेंगे, ऐसे ऊपर से दबाएंगे तो ये बीज ऐसे बो देगी। जी किसान भाइयों देख सकते हो, लाइव आपको दिखा रहे हैं और डेमो भी दिया जाएगा। जी तो इसके अंदर जो है इसमें भी 5 गरारियां लगती हैं, यहाँ पे फिट होती हैं, जो आपका तरह तरह का बीज जो है वो बो देती है, चाहे मक्का हो राजमा हो छोले हो मटर हो वो चीजें आप बो जी सकते जी हैं। तो ये दोनों मॉडल सेम है अलग अलग है सर? सर इसमें बीज के साथ खाद भी डाल सकते हैं। इसकी कीमत है 2450 और इसकी है 2950। जी अब बात करते हैं सर, ये ड्रम सा रख रखा है आपने, ये क्या चीज है, ये क्यों रख रखा है सर यहाँ? सर ये हमारा बूम स्प्रेयर है 600 लीटर की टंकी के साथ, जिसमें जो है 40 फुट का बूम जो है वो लगता है। इसकी 600 लीटर की टंकी ट्रैक्टर से ये चलता है, 30-35 हॉर्स पावर से ऊपर का कोई भी ट्रैक्टर हो। साथ में इसके ये डिस्ट्रीब्यूटर दिया है जो ड्राइवर के हाथ में आ जाता है, जिससे वो सारा बूम चलाना है, बंद करना है, प्रेशर ज्यादा करना है, प्रेशर कम करना है, दायां अच्छा। बूम चलाना है बायां चलाना है, क्योंकि कई बार हवा भी चल रही होती है आपको चाहिए या एक साइड बच रही होती है खाली, तो आप चाहते हैं कि उसमें दोनों तरफ स्प्रे हो तो वो भी कंट्रोल कर सकते हो। पानी भरने का सिस्टम भी है यहाँ से, आप इसमें पाइप लग जाएगा तो आप कहीं नाली में से या नदी में से जो है खाल में से पानी जो है वो उठा सकते हो। नीचे जो पंप लगा हुआ है वो डायाफ्राम वाला लगा हुआ है जो टर्की का बना हुआ है, मेड इन टर्की का, 2 साल की गारंटी के साथ आता है और 4 पिस्टन वाला ये पंप है। 140 लीटर का जो है ये पंप इसके अंदर लगा हुआ है। जी जी जी, अब सर इसकी बात करें प्राइस के बारे में तो क्या कीमत रहने वाली है? सर इसमें हमारे पास 2 मॉडल है, एक तो 300 लीटर वाला वो पड़ता है 90,000 का और एक 600 लीटर वाला जो पड़ता है 1,10,000 रुपए का। बहुत ही हैवी ड्यूटी ये बूम बनाया हुआ है, इसके अंदर फाइबर ग्लास की टंकी है तो 1 इंच मोटी चीज जो है वो इसके अंदर घुसने चाहिए इसको पंचर करने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी जी, इसके अंदर जो है जाली वगैरह भी दे रखी है, आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे जो है इसके अंदर भी जाली दे रखी है। अच्छा, पानी साफ जाए, पानी साफ जाए, जो फिल्टर इसके अंदर है वो भी डाले हैं और जो बूम है उसके अंदर भी जो हमने आप देख सकते हैं पीतल की नोजल जो है हमने फिट करी हुई है, जिससे जो है बढ़िया काम ये करता है। किसान भाइयों देख सकते हो सब कुछ इसमें पीतल का और ब्रास का लगा हुआ है, बहुत ही शानदार है। ये जो नोजल है ये भी हम टर्की से बाहर से मंगवाते हैं और बहुत ही बढ़िया प्रेशर देती है। इसमें नोजल का खासियत है कि ये गोल फौरा देती है जो पौधे के ऊपर और नीचे दोनों तरफ है। स्प्रिंग लोडेड हमारा ये बूम है ताकि अगर कोई खंबा वगैरह या पेड़ वगैरह भी है तो आपको जो किसान भाई को नीचे उतरने की जरूरत नहीं है, वो खंबे से लगकर अपने आप इकट्ठा हो जाएगा और बाद में अपने आप जो है वो खुल जाएगा। अब बात करते हैं हर्ष भाई आपके, हम ये देख पा रहे हैं अर्थोगर गड्ढे खोदने की मशीन, तो थोड़ा सा इनकी प्राइस के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए।
सर ये जो है खड्डा करने वाली हमारी 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक मशीनें हैं। इसमें 196 सीसी का इंजन लगा हुआ है, वो 68 सीसी और 52 सीसी में। ये जो है अलग अलग साइज में आती है कि अगर आपको 4 इंच चौड़ा, 6 इंच चौड़ा, 8 इंच चौड़ा, 10 इंच चौड़ा या आपको 2 फुट चौड़ा खड्डा जो है वो करना है। गहराई भी अलग अलग आती है, 1 फुट से लेके यहाँ पे 10 फुट तक का जो बिट है आप लगा सकते हो। अलग अलग है, ये 4 स्ट्रोक है 196 सीसी की, जो हैवी ड्यूटी मॉडल है। इससे 80 से जो है वो स्टार्ट हो जाता है और इसमें पीछे पुली भी दे रखी है। पुली का भी प्रावधान दिया हुआ है जी, आप देख सकते हैं इस तरीके से आप इसको जो है वो ऊपर नीचे जो है वो कर सकते हो, ताकि जो है आपका खड्डा वगैरह सीधा हो और आसानी से कर सकते और आसानी से और आपका जोड़ ना लगे उसको ऊपर खींचने के अंदर। तो क्या प्राइस रखी है भाई जी इसकी? सर ये वाला मॉडल पड़ता है 58,000 का, 12 इंची बिट के साथ, 196 सीसी का, जो 4 स्ट्रोक है, मतलब अकेला पेट्रोल डलेगा और 1 घंटे का मात्र आधा लीटर पेट्रोल ही लेगा। जी जी, इनकी प्राइस बता दीजिए थोड़ा सा इनकी। सर ये जो मॉडल है 52 सीसी का जो है वो पड़ता है 12,500 का, ये वाला 15,500 का, जिसमें 4 और 6 इंची का बिट दिया जाता है। ये 68 सीसी 3 हॉर्स पावर का, ये पैडल वाला मॉडल है जिसमें आदमी को झुकना नहीं पड़ता, पीछे से स्टैंड दबा के जो है वो चल जाता है और बिट जो है वो नीचे सीधा सपाट जाता रहता है। 3 हॉर्स पावर का इंजन इसमें भी लगा हुआ है और ये जो मशीन है ये 12 इंच चौड़ा बिट तक है वो चला सकती है। इसकी जो कीमत है 25,500, जिसमें 4 और 8 इंची का बिट आपको दिया जाता है। और हमारे पास किसान भाइयों को जो है वो 10 फुट लंबे बिट भी मिल जाएंगे, जिसमें वो अगर अर्थिंग पोलिंग वगैरह करना चाहते हैं तो वो भी वो इसके साथ कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। अब सर बात करें आपके, और भी हम 2 पावर टिलर देख पा रहे हैं, थोड़ा सा इनके बारे में भी बताइए, जो आपका मोस्टली ब्रांड है सिंह पावर। जी जी जी, ये जो है हमारे पास इसमें 7 HP होंडा का पावर टिलर है और 7.5 HP में लाइट वाला जो चौड़े टायर वाला पावर टिलर है वो दोनों हमारे पास उपलब्ध है। 7 HP होंडा का जो पावर टिलर है वो भी आपको मिल जाएगा, सेंटर रोटरी वाला, जिसमें 2 साल की गारंटी मिलती है और ISI इंजन है ये। जी देख सकते हो कि ISI इसके अंदर पीछे कंपनी ने जो मार्किंग भी दे रखी है पीछे की तरफ, तो ISI मार्किंग वाला इंजन हम किसानों को देते हैं, ताकि भैया ISI है तो क्वालिटी है, क्वालिटी है तो नाम है, नाम है तो सालों साल चलने बिल्कुल राइट बात सर्विस है। तो इसमें कितने जो है हम फिट की रोटरी लगा सकते हैं सर? सर इसके अंदर जो आती है वो 3 फुट की आती है, पर आप इसके साथ 4.5 फुट तक की रोटरी लगा सकते हो। आगे पहिया भी दे रखा है जी, आपको जो है अगर लेके जाने में आसानी मिले और आपको अगर घुमाना फिरना है तो वो भी जो है आप आसानी से इसको घुमा सकते हैं। जी जी, इसके अंदर रीपर वगैरह भी लग जाता है, जैसे कि हमने वहां पे लगा के दिखाया हुआ है कि धान गेहूं कटाई करनी है और भी 24 से 25 इंप्लीमेंट मिट्टी चढ़ानी हो, बेड बनाने हो, यहाँ पे हमने बेड बनाने की अटैचमेंट भी जी रखी है। ये जो स्पाइरल है ये टायरों में लग जाते हैं, जो मिट्टी को बीच में इकट्ठा करते हैं, और पीछे जो है वो आप जितना चौड़ा 1.5 फुट 2 फुट 3 फुट चौड़ा बेड भी बना सकते हैं। तो सर इसकी क्या प्राइस रखी है? सर होंडा वाला जो 7 HP वाला है ये पड़ता है 62,000 का और 9 HP वाला पड़ता है 88,000 रुपए। जो ये सिंह पावर का जो आपका ब्रांड है, ये जो है हमारा लाइट वाला मॉडल है, जिसमें आगे पहिया भी दे रखा, स्टैंड भी दे रखा है, खूबियां बहुत दे रखी हैं, टूल बॉक्स वगैरह, चौड़े टायर दे रखे है, 4.5 फीट का रोटावेटर है। ये जो मॉडल है सर SP 2200 मॉडल है, SP 2200 मॉडल जो हमारा है ये किसानों को पड़ता है अपना 50,000 का, जिसके अंदर आपको 4.5 फीट का रोटावेटर, 3 फार वाला कल्टीवेटर और नाली बनाने वाला रीजर, ये सब सामान जो है वो आपको मिलने वाला है घर पे पहुंचा के GST के साथ, डिलीवरी के साथ। जी जी जी, अब सर बात करते हैं आपका, हम जो देख पा रहे हैं ये पावर टिलर कुछ अलग ही लग रहा है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, ये जुगाड़ करके बनाया है या सर आपने खुद बनाया है, कैसे क्या सिस्टम है? सर ये जो है हमने खुद बनाया है, इसके अंदर क्या है कि हमने पावर टिलर जो सेंटर रोटरी वाले हैं उसको लिया है 10 HP जी, जी जी जी, उसके अंदर जो है हमने स्टेयरिंग की प्रोविजन दी है, चौड़े चौड़े जो हमने पावर स्टेयरिंग की ऑप्शन इसके अंदर जी रखी है, आप देख सकते हैं कि आसानी से आप इसको जो है वो घुमा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे हमने पैरों में क्लच दे रखा जी, हाथों में हमने इसका बैक गियर भी दे रखा है। अच्छा, और ये इधर की तरफ हमने जो है वो आगे का और पीछे का जो 2 गियर अच्छा, आगे के हैं वो दोनों दे रखे हैं। अच्छा, रिवर्स फॉरवर्ड सब कुछ आपने यही हाथों में दे रखा है? 1 रिवर्स, क्लच का सिस्टम, स्टीयरिंग का सिस्टम और पीछे का लिफ्ट भी दे रखा है। अच्छा अच्छा अच्छा, आप देख सकते हैं कि अगर आपको हल वगैरह, इसमें हमने पीछे जो है वो 5 वाले हल लगाए हैं, अगर आप इसको उठाना चाहते हो तो वो भी आप इसको उठा सकते हो आसानी से, कंट्रोल कर सकते हैं। पीछे हमने हुक दे रखी है, ताकि अगर आपको ट्रॉली वगैरह लगानी है तो वो भी आप इसके साथ लगा सकते हो। तो सर ये मतलब सेंटर रोटरी काम करेगा या बैक रोटरी का करेगा, ये कैसे करेगा? सर ये जो है हल वगैरह, ट्रॉली वगैरह सब बैक में काम करेगा, जो पावर टिलर वाला रोटावेटर होता है वो इसकी टायरों की जगह ही लगा रहेगा। शीट पीछे आप लगा सकते हो, आपकी मर्जी है, नहीं लगानी तो उतार भी सकते हो। तो क्या कीमत है सर इसकी? सर ये जो है इसमें पावर टिलर के हिसाब से है, अलग अलग पावर टिलर पे अलग अलग कीमत बैठती है। अभी जो हमने इस पर 10 HP पेट्रोल का इंजन लगाया है तो उसके साथ इसकी कीमत बनती है 1 लाख रुपया, जिसके अंदर आपको 5 वाला हल दिया जाएगा,
साथ में आपको 4.5 फीट का रोटावेटर दिया जाएगा, साथ में आपको एक लेवलर भी दिया जाएगा। जी जी। अब सर बात करते हैं, आपका जो है रीपर देख पा रहे हैं फसल कटाई के लिए, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए कौन कौन सी फसल की कटाई कर सकते हैं, और ये तो आपने पावर टिलर में ही अटैच कर दिया, कैसे पॉसिबल हो पाया है सर ये? सर ये जो है हमारा बैक रोटरी वाला 840 मॉडल है, आप देख सकते हैं, जिसके अंदर होंडा का 9 HP का हमने जो है इंजन लगाया है। इसके अंदर जो है हमने ये रीपर लगाया है। इस मशीन की खासियत ये कि इसके अंदर डिफरेंशियल आप देख सकते हैं, उसी जगह पे खड़े खड़े आप जो है आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर सकते हैं, आसानी से आप इसका पूरा चक्कर है उसी जगह पे लगा सकते हैं बिना किसी जोर के। तो ये जो रीपर की खासियत है, इस मशीन की खासियत है कि इसके अंदर डिफरेंशियल लगा हुआ है, और आगे हमने इसके अंदर 3 फुट का रीपर लगाया है। रीपर भी आप देख सकते हो कि हमने डबल डिवाइडर वाला लगाया हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अलग ही देख पा रहा हूँ। मैंने बहुत सारे रीपर वाइंडर या रीपर की वीडियो बनाई है, तो आपके पहले भी बनाई है, तो उनसे हटके ये डबल डबल फट्टे में देख पा रहा हूँ। जी तो जी, ये क्यों सर? इसमें क्यों है जी कि अगर कोई किसान भाई सोयाबीन की कटाई, चने की कटाई करना, तो वो नीचे वाले डिवाइडर पे कट कर सकता है, क्योंकि वो काट के जो है फसल छोटी होती है, 1 फुट 1.5 फुट की फसल हो तो काट के एक तरफ गिराना आसान रहता है, और अगर उसकी फसल बड़ी है, वो गेहूं काटना है, मक्का काटना है, मक्का जब 7 फुट का हो जाता है वो काटना है, तो उसके लिए वो नीचे और ऊपर वाला दोनों वाला जो है वो डिवाइडर लगा सकता है, जिससे आपकी कटाई की जो है वो एक तरफ होती रहे, मतलब बड़ी फसलें भी कट जाएंगी। मतलब आपने क्या किया है, एक ही रीपर से और डबल हमारा जो है किसान भाई काम कर सकता है, छोटी फसलों की कटाई और बड़ी फसलों की कटाई, छोटी फसल और बड़ी फसलें दोनों की कटाई जो है आप इस मशीन से कर सकते, अलग अलग रीपर जो है लेने की जरूरत पड़ेगा। तो अभी हर्ष भाई इसकी कीमत क्या है, इसकी थोड़ी कीमत भी बता दीजिए। सर इसमें अलग अलग मॉडल आते हैं, हमारा जो है SP 1100 जो आप अभी बनाकर गए थे हमारी फैक्ट्री में वीडियो, जी, तो ऑफर के अंदर हमने वो दिया था, तो वो 73,000 से शुरू हो जाता है। अभी जो ये वाला मॉडल खड़ा है ये बैक रोटरी 840 है, जिसकी कीमत है 1.5 लाख रुपया, बैक रोटरी के साथ 3 फुट का रोटावेटर साथ में मिलता है, और अगर कोई रीपर लेना चाहता है अलग से तो वो 45,000 रुपए का है। अच्छा सर, रीपर ही अलग से 45,000 रुपए में मिलेगा। तो सर अभी हमने आपके सारी जो है यहाँ पर रिव्यू कर लिया, आपके पास बहुत सारे पार्ट्स हमने देखे, और भी ब्रश कटर वगैरह भी है उधर जो गेहूं की कटाई के लिए, बरसीम की कटाई के लिए, वाटर पंप, स्प्रे पंप, तो मेरे किसान भाइयों इनके पास में हर एक रेंज मिल जाएगी, छोटे से छोटा इम्प्लीमेंट और बड़े से बड़ा खेती में जो काम आने वाला जो भी आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा ब्रश कटर और इनके बारे में आप बता दीजिए क्या क्या। जी, ये ब्रश कटर हमारा साइड पैक वाला है और ये बैक पैक वाला है। साइड पैक और बैक पैक ब्रश कटर हमारे पास उपलब्ध है, जिसके अंदर अगर कोई किसान भाई होंडा का इंजन लेना चाहता है वो भी मिल जाएगा। अटैचमेंट बहुत सारी हमारे पास, 80 दांतों का, 3 दांतों का, 2 दांतों का, नायलॉन ट्रिमर, ये चेन वाला, ये 6 दांतों वाला, ये लकड़ी काटने की आरी, पानी वाला पंप, ये हेज ट्रिमर, और पीछे आप देख सकते हैं कि तरह तरह के जुताई के यंत्र रखे हुए हैं, 8 इंच, 11 इंच, 16 इंच, मिट्टी चढ़ाने के ब्लेड, हल जुताई, और जो है रोटावेटर, टिलर जुताई, ये सब चीजें हमारे पास है। तो मतलब मल्टीपर्पज ब्रश कटर है, जिससे 18 काम हम जो है करवा सकते हैं अलग अलग की, गेहूं कटाई करनी हो, घास की कटाई करनी हो, जुताई करनी हो, या लकड़ी काटनी हो, वो सभी काम हम कर सकते हैं। हमारे जो ब्रश कटर है वो 11,500 से शुरू हो जाते हैं साइड पैक वाले, और बैक पैक में हम 50 cc के अंदर बहुत ही बढ़िया ऑफर देते हैं कि मात्र 19,500 में हम किसानों का 7 इम्प्लीमेंट देते हैं। 7 इम्प्लीमेंट में 80 दांतों वाला ब्लेड, 3 दांतों वाला, 2 दांतों वाला, और नायलॉन ट्रिमर, ये सब मिलेगा। साथ में ये क्रॉप कलेक्टर मिलेगा, साथ में आपको लकड़ी काटने की आ रही है, पानी वाला पंप, इन दोनों में से कोई एक अटैचमेंट, साथ ही में आप एक जुताई वाली अटैचमेंट, अपनी पसंद की जो आप जुताई वाली अटैचमेंट हमने इतनी टेबल पे रखी है उसमें से कोई एक जुताई, एक जुताई वाली ले सकते हो, जो जुताई वाली अटैचमेंट जो है वो आप अपनी पसंद की इसमें ले सकते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष भाई, आपने तो पूरी मार्केट ही यहाँ पे अकेली दुकान नहीं बना दी। जी, जी, जी। तो अब थोड़ा सा बात करते हैं, जैसे हमारे किसान भाई इनको खरीदना चाहें तो कैसे खरीद सकते हैं, और कुछ गारंटी वारंटी इनकी है या नहीं है, थोड़ा सा बता दें। सर हमारे प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो 1 साल की जो है रहती है, कई मॉडल्स पे 2 साल की भी हम जो है वो गारंटी देते हैं। हमारे खरीदने के लिए बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, नीचे स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहे हैं किसान भाइयों, फोन उठाइए, कॉल कीजिए, जानकारी जो लेनी है लीजिए, संतुष्टि जो करनी है, मॉडल का नाम जरूर बताएं, क्योंकि जितने मॉडल है हमें भी नहीं पता लगता कि आप किसकी मांग कर रहे हो। बिल्कुल, मॉडल का नाम जरूर बताएं, और फिर जो है अपनी जानकारी प्राप्त होने पर फिर आप इसमें एडवांस बुकिंग करवा सकते हो, जिसमें 10% या 4,000 5,000 जैसे भी है वो हमारे टीम बता देती है प्रोडक्ट के हिसाब से। बुकिंग के बाद आपका आधार कार्ड मांगा जाएगा, उस एड्रेस पे हम मशीन भेजेंगे, मशीन जब आपके वहां पहुंचगी तो आपको फोन आएगा भैया कोरियर से या ट्रांसपोर्ट से कि आपकी मशीन आई है पंजाब से, बाकी का पेमेंट कंपनी में कर दीजिए, तो आपकी मशीन आपको घर के अंदर हम जो है वो दे देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष भाई, आपने जानकारी दी। मेरे किसान भाइयों ये नहीं है कि ये कोई फ्रॉडबाजी है,
आपके सामने, किसानों के सामने आप देख सकते हो, कंपनी में भी जो है वीडियो ये बनवाते हैं और यहाँ पे भी ये आए हैं, तो ऐसा नहीं है कोई फ्रॉडबाजी है। तो आप इनको खरीदना चाहते हैं तो हर्ष भाई ने आपको जो नंबर बताए स्क्रीन पर चल रहे हैं उन पर कॉल कीजिए, पूरी जानकारी लीजिए, जब आप संतुष्ट हो जाएं तब आप खरीद सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आज की जो जानकारी मेरी द्वारा दी गई है उससे आप संतुष्ट होंगे। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक लिए जय जवान जय किसान।